हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गोल्डन सिल्वर बुलेनियर यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लाए हैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो इन अ प्रेशियस मेटल सीरीज आज हम रिव्यू और अनबॉक्स करने वाले हैं बी के एक प्रोडक्ट को जो आया है आजियो से आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन ग्राम ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड बार फ्रॉम बी तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं हम अपना आज का अनबॉक्सिंग और जैसे कि हम हमारे पिछले वीडियो से कर रहे हैं अपना अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने अनबॉक्सिंग नाइफ से तो ठीक है नाइफ से हम अपना अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबली मैंने कट रहा ओके तो नाइफ का काम हो गया तो जल्दी से मैं इसको साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है तो इसके अंदर है बिल जो है बी के प्रीमियम टाइप के एक बॉक्स में बॉक्स में लिखा है बेंगलुरु रिफाइनरी गोल्ड स्टैंडर्ड इन प्रेशियस मेटल्स और पीछे बेंगलुरु रिफाइनरी साइट का डिटेल्स दिया है तो ये खुलता कुछ इस तरह से है शायद यस तो अगर आप यहाँ पे ऊपर Uh, देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर परचेज वी अप्रिशिएट योर बिजनेस और ये रहा हमारा बार जो कि आया है सर्टी कार्ड में तो सर्टी कार्ड में गोल्ड लिखा है यहाँ पे हमारा बार है और यहाँ पे साइड पीछे देखते हैं कि क्या है के okay, पीछे यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी मेटल फाइनेस ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन वेट वन ग्राम और सर्टिफाइड बाय एयर ओके तो अभी हम बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट में जहाँ पे हम निकालेंगे पील ऑफ कवर जो प्रोटेक्शन के लिए रहता है अपने सर्टी कार्ड से और देखेंगे अपने पार को पूरे ग्लोरी में wow. अमेजिंग ये बहुत ही छोटा सा बार है लेकिन अगर आप इसके डिटेल्स दे सकते हैं तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा है और ये इस सर्टी कार्ड में अच्छी तरह से प्लेस्ड है तो वो भी अच्छी बात है शायद इसके पीछे भी एक और पील ऑफ कवर है तो उसको भी हम लोग हटा देते हैं अमेजिंग तो अगर बार के डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी बी आर पी एल और उसके ऊपर है बी आर पी एल का लोगो और इस बार का डिनोमिनेशन जो कि है वन ग्राम देन इट इज़ रिटन एज फाइन गोल्ड ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन और मेल्टर एसेर जो फाउंड्री मार्क होता है वो भी है बहुत ही छोटा सा है अगर आप देख सकते हो तो मेरे अंगूठे जितना हाइट में है और शायद उसके आधे साइज का है एक ग्राम का ये बार है बहुत ही छोटा है और अगर हम पीछे देखेंगे तो पीछे यहाँ पे कोई लोगो वग़ैरह नहीं है फिर से एक डिनोमिनेशन है वन ग्राम जैसे आप जानते हैं पुराने वीडियोस से कि पीआरपीएल का वेट टॉलरेंस होता है और यहाँ पे इसमें मेंशन है प्लस और माइनस ट्वेंटी मिलीग्राम यानि ये ग्राम ट्वेंटी मिलीग्राम से ज़्यादा या ट्वेंटी मिलीग्राम से कम हो सकता है और एक और चीज़ मैं आप लोग को नज़र में लाना चाहता हूँ कि कॉशन लाइबिलिटी सीज़स वन सील इज़ रिमोड यानि अगर हम इस कार्ड से अगर इसको बाहर निकालते हैं तो ये शायद बायबैक पे नहीं जाएगा पी आर पी एल का एक बाईबैक स्कीम है गोल्ड का और जो भी हम बी आर पी एल से ख़रीदते हैं वो हम मेटल रेट पे उन्हें वापस बेच सकते हैं तो शायद अगर हम इस सट इसको अगर कार्ड से निकालेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा सो so, इसलिए मैं इसको सर्टी कार्ड से नहीं निकालूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी मेटल फाइनेंस ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन मेटल वेट वन ग्राम और सर्टिफाइड बाय तो इसमें कोई कार्ड नंबर नहीं है विच इज़ अफ लॉ क्योंकि पता नहीं वो फिर उसको चेक भी कैसे करेंगे और एज अ कंज्यूमर मुझे थोड़ा ऑथेंटिसिटी में भी मतलब डाउट होगा अगर सर्टिकार्ड नंबर होता या कुछ होता तो ऐटलीस्ट इट वुड हैव गिवन मी मोर अश्योरेंस लेकिन इसमें नहीं है लेकिन अगेन इट इज़ अ लोअर डिनमिनेशन तो वो भी uh, तो लोअर डिनोमिनेशन होने के वजह से वो भी कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा सिक्योरिटी फ़ीचर्स भी एड नहीं करते सो विच इज़ अगेन फाइन Uh, बहुत ही छोटा और प्यारा सा ये बार है वन ग्राम का फ्रॉम बी आर पी एल एंड दैट्स इट फ्रॉम द बार सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बिल और देखते हैं कि ये हमें कितने प्राइस में मिला है तो ये रहा इसका बिल यहाँ पे दिया गया है आइटम डिटेल्स यानी हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ट्वेंटी फोर कैरेट ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन वन ग्राम एलो गोल्ड बार एलो गोल्ड फ्री साइज़ ब्रांड बेंगलो रिफाइनरी और इसका एक कोड और इसका यूनिट प्राइस था फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एलेवन पॉइंट टू सिक्स लेकिन जब हम ख़रीद रहे थे तब तो उस पर प्री पेड ऑर्डर पे फाइव परसेंट ऑफ़ चल रहा था जिसकी वजह से हमें टू फिफ्टी थ्री रुपीज़ का ऑफ मिला और उसके वजह से हमें नेट प्राइस मिला पड़ा है यहाँ पे फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन का लेकिन जब मैं ख़रीद रहा था तो मेरे आजियो वॉलेट में 400 394 रुपीस कुछ एकोमलेट हुए थे तो मैंने उसको भी यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद मुझे ये पड़ा है 4118 इसका एक्चुअल प्राइस जो भी है वो मैं यहाँ डिस्प्ले करूँगा इट वाज अ नाइस और डिसेंट बाई क्योंकि मैंने उसको एक्चुअल स्पॉट गोल्ड के स्पॉट प्राइस से कम प्राइस में लिया ख़रीदा है तो उसके वजह से फ्रॉम माय एंड इट वाज वेरी गुड डील बिकॉज आई बॉट इट एट स्पॉट प्राइस नहीं स्पॉट प्राइस से भी लेस वाले कॉस्ट में मैंने उसको बाई किया तो मेरे कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा था सो uh, so, मैं एज अ व्यूअर आपको बोलता हूँ कि लुक आउट फॉर ऑफर्स अगर आप बुलियन कलेक्ट करते हो तो इट इज़ बेटर इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप स्पॉट प्राइस पे कलेक्ट करें या स्पॉट प्राइस के अराउंड कलेक्ट करें और विथ लेस प्रीमियम ताकि आपका जो भी ट्रांजैक्शन वो हो वो प्रॉफिटेबल हो एंड दैट्स इट फ्रॉम द बिल लेट्स मूव ऑन टू द बार फॉर द फाइनल रिव्यू तो फाइनल रिव्यू में हम कंक्लूड करेंगे छोटा सा और प्यारा सा बार है लेकिन क्योंकि इसका वेट टॉलरेंस थोड़ा है तो उस वजह से आ, मतलब थोड़ा आपको मतलब दिक्कत हो जाएगा और वेट की जगह क्योंकि आप अभी मतलब पक्का बोल नहीं सकते कि आपको ये ज़्यादा ट्वेंटी एम जो भी है वो ज़्यादा मिला है या कम मिला है जब तक आप उसको वे नहीं करते तो वो तो रहेगा आ, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ वेरी गुड गोल्ड बार एंड बी आर पी एल बहुत जेनरिक गोल्ड सेल करता है और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल uh, प्राइज़ में सेल करता है तो अगर आप प्राइस कंस्ट्रेंट अगर कुछ बाई करना चाहते हैं तो बी आर पी एल प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं बी आर पी एल के प्रोडक्ट्स को एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और आगे ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियोस आते रहेंगे और चैनल की तरफ से एक और अपडेट आ, शायद आगे से वीडियोस इेगुलर हो सकते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रेगुलर रखूँ लेकिन फिर भी अगर दूसरे कमिटमेंट्स आते हैं तो देर आर चांसेस कि वीडियोस इर हो जाएंगे तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही अपडेट देना चाहता था एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस Thank you for watching this video. Keep stacking. Bye.